हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के लेसन 8 के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन 8 में हम जो पुराने सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के पेपर्स हैं उनमें से यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके इस पेपर में 75 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। सो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सोशियोलॉजी यूजीसी नेट का लेसन 8, जिसमें हम पेपर 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने अपनी धारणा में इंडेक्सिकैलिटी और रिफ्लेक्सिविटी के सिद्धांत का यूज किया है? तो उनका नाम है अल्फ्रेड स्कूट्स ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन अप्रोच टू सोशल एनालाइज इन विच द थिएटर इज द बेसिस ऑफ एन एनालॉग विद एवरीडे लाइफ इज नोन एज, यानी सामाजिक विश्लेषण के लिए एक दृष्टिकोण जिसमें थिएटर रोजमर्रा की जिंदगी के साथ एक समानता का आधार है, इसे किसके रूप में जाना जाता है? सो इसका आंसर है ड्रामेटर्जी, यानी नाट्य शास्त्र, या आप इसे नाटक कला भी कह सकते हैं। आपने इसके बारे में जो है एमए में पढ़ा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपने जो है थिएटर वर्ड के बारे में सुना होगा। एक्टर्स जो है अपनी एक्टिंग को परफेक्ट बनाने के लिए थिएटर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू लुईस अल्थुजर द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, यानी लुईस अल्थुजर के अनुसार उत्पादन की विधि में अर्थशास्त्र, राजनीतिक और वैचारिक प्रथाओं की जटिल अभिव्यक्ति शामिल है। नंबर 4 है, हु हैज कंसीडर्ड मॉडर्निटी एज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, यानी किसने अपूर्ण परियोजना के रूप में आधुनिकता पर विचार किया है? तो वे हैं जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर जगन हेब्रमास। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स गिडिंस यूज इन हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, यानी कौन सी अवधारणा जो है एंथनी गिडिंस अपने संरचना के सिद्धांत में यूज करते हैं? सो वो कॉन्सेप्ट है ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के द्वंद्व का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, एंथनी गिडिंस जो है एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स एजेंसी ऑफ इंडिया फॉर हिज रिसर्च वर्क, यानी किसने जो है अपने अनुसंधान कार्य के लिए उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी की भारत में व्यापक फील्ड वर्क किया? सो उनका नाम है एन के बॉस, जिनका पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु डिड एट्रिब्यूशनल एंड इंटरैक्शनल एनालाइज ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था का आचरण और बातचीत संबंधी विश्लेषण किसने किया? तो उनका नाम है सुरजीत सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिड फील्ड वर्क रिसर्च अमंग द जवांग ट्राइब्स ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा के जवांग जनजातियों के बीच क्षेत्रीय शोध किसने किया? तो उनका नाम है एन के बोस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉन्सेप्ट कल्चर ऑफ पॉवर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने इंट्रोड्यूस की है? तो उनका नाम है ऑस्कर लुईस। क्वेश्चन नंबर 10, आशीष बोस इज वेल नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी आशीष बोस अपनी किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? सो इसका आंसर है बीमारू स्टेट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीमारू जो है हिंदी वर्ड बीमार से लिया गया है, जिसका मतलब है सिक, यानी के बीमार होना। सो बेसिकली बीमारू के फर्स्ट टू वर्ड्स जो है बीआई, इसका मतलब है बिहार। नेक्स्ट टू वर्ड्स जो है एमए, एमए का मतलब है मध्य प्रदेश। देन आर का मतलब है राजस्थान और यू का मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट से है। उन्होंने 1980 के मध्य में इस कॉन्सेप्ट को दिया, जहां इन्होंने इन स्टेट्स की पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी बुरे आर्थिक हालातों के बारे में बात की है, और इसे जो है बीमारू स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिस्प्लेस्ड मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, यानी किस प्रकार की विकास परियोजनाओं में व्यक्तियों की कम संख्या रिप्लेस होती है? सो इसका आंसर है माइंस में, यानी सुरंग खोदना, खान खोदना वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच अमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन ट्रेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग 11th फाइव ईयर प्लान, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों में से कौन सा उच्चतम विकास दर राज्य घरेलू उत्पाद है? तो इसका आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, यानी वीमेन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड घरेलू हिंसा अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था? सो ये जो है 2005 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, इमिटेशन थ्योरी ऑफ डेविएंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, विचलन के अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सो फ्रेंड्स, यहाँ इमिटेशन का मतलब है नकल करना, अनुकरण करना वगैरह। सो ये सिद्धांत दिया गया था गैब्रियल टार्डे द्वारा, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट भी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द की कॉन्सेप्ट इन लेबलिंग थ्योरी इज दैट ऑफ स्टिग्मा, यानी कलंक या आप लांछन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड मिसयूज ऑफ पावर आर ऑल एग्जांपल ऑफ, यानी भाई भतीजावाद, पक्षपात यानी किसी की तरफदारी करना और शक्ति का दुरुपयोग करना, ये सब जो है किसके उदाहरण है? तो ये सब जो है करप्शन यानी भ्रष्टाचार के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज सेड संस्कृताइजेशन इन कॉन्टेक्चुअल फॉर्म इज अ स्लो एंड
एंड नॉन स्पेक्टेकुलर प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी ऑफ कास्ट, यानी किसने कहा कि प्रासंगिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की धीमी और असमान प्रक्रिया है, तो ये कहा है योगेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, Who has given a six-folded classification of traditional in India to evaluate changes in rural and urban India? यानी ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 गुना वर्गीकरण किसने दिया है? तो ये दिया है एससी दुबे ने, जिनका पूरा नाम है श्याम चरण दुबे। क्वेश्चन नंबर 19, Who has classified Indian family into 12 categories? यानी किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में बांटा है? तो उनका नाम है पीएम कोलंदा। क्वेश्चन नंबर 20, Who has propagated that global marketization is the main driver of globalization? यानी किसने जो है विचार किया है कि वैश्विक बाजार वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? तो इसका आंसर है किनिची ओमई ने। क्वेश्चन नंबर 21, Who is the author of the book Macdonaldization of Society written in 1993? यानी 1993 में लिखी गई बुक The Macdonaldization of Society के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है जॉर्ज रीजर। तो इसमें इन्होंने बात किया कि जब समाज जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट की विशेषताओं को गोद लेता है तो मैकडोनल्डाइजेशन प्रकट यानी जाहिर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, Who has said that globalization is inclusive of both modernity and post-modernity? यानी किसने कहा है कि भूमंडलीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद दोनों शामिल है? तो ये कहा है रॉलैंड रॉबर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 23, Which state of India was the first to pass जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, यानी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यानी जमींदारी अधिनियम को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उस समय इसकी अध्यक्षता यानी चेयर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के पास थी। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय, यानी मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उनका नाम है महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 25, The theory that relates population growth with development stages is known as demographic transition theory. यानी विकास चरणों के साथ जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत को जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, The concept beyond family planning was introduced by, यानी पारिवारिक नियोजन से पार जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उनका नाम था बर्नार्ड बैरलसन। क्वेश्चन नंबर 27, Who introduced the concept step migration? यानी किसने जो है कदम प्रवास अवधारणा की शुरुआत की है? तो उनका नाम है अर्नेस्ट जॉर्ज रेविंस्टन। क्वेश्चन नंबर 28, सोशल कैपिलरिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो उसका आंसर है लुइस डुमोंट। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड द ओवरथ्रो ऑफ मदर राइट वाज द वर्ल्ड हिस्टोरिक डिफीट ऑफ फीमेल सेक्स, यानी किसने कहा था कि मदर के अधिकारों की समाप्ति महिला सेक्स की दुनिया की ऐतिहासिक हार थी? तो ये कहा था फ्रेडरिक इंगल्स ने। क्वेश्चन नंबर 30, When did the shift in the approach from welfare to development of women took place in India? यानी भारत में महिलाओं के विकास के लिए कल्याण के विकास के दृष्टिकोण में बदलाव कब हुआ? तो ये बदलाव हुआ था 6th five-year plan में। Question number 31, Who is the author of the book The Female Eunuch? तो eunuch का मतलब है नपुंसक या हिजड़ा। तो इस बुक के राइटर हैं जर्मन ग्रीर। ये बुक जो है 1970 में पब्लिश हुई थी और इस बुक ने जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी नारीवादी आंदोलन में काफी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज दी वुमेन एम्पावरमेंट ईयर, यानी कौन सा साल जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? सो वे साल था 2001। क्वेश्चन नंबर 33, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सो फ्रेंड्स याद रखना ये बुक जो है राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इंपॉर्टेंट बुक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है सोशियोलॉजिस्ट नील जोसेफ स्मेल्सर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज रिटन ऑन सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉपसी, यानी स्वयं भविष्यवाणी को पूरा करना किसके द्वारा लिखा गया है? सो ये लिखा गया है रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा। और फ्रेंड्स रॉबर्ट किंग मर्टन की जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है मिडल रेंज थ्योरी, यानी मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज क्लासिफाइड रिलीजन एंड मैजिक एज सेक्रेट एंड साइंस एज अनहोली, यानी किसने जो है धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को जो है अपवित्र माना है? तो उनका नाम है ब्रॉनिस्लो मेलिनोवस्की। और फ्रेंड्स एक इन्होंने बात की है रिलीजन एंड मैजिक के बारे में जो कि एक फंक्शनल थ्योरी यानी प्रकार्यवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 37, हु क्लासिफाइड एक्शन इन लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल कैटेगरीज, यानी किसने जो है कार्य को तार्किक और गैर तार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो उनका नाम है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 38, दी आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज एंड इट्स रिलेशन टू फिलोसफी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है?
सो फ्रेंड्स, ये बुक जो लिखी गई है उनका नाम है पीटर विंच। क्वेश्चन नंबर 39, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसब्जेक्टिविटी हैज बीन यूज्ड इन द राइटिंग्स ऑफ विच सोशियोलॉजिस्ट। यानी इंटरसब्जेक्टिविटी की जो अवधारणा है वो किस समाजशास्त्री के लेखन में इस्तेमाल की गई है। सो ये यूज की गई है अल्फ्रेड शूट्स द्वारा। इंटरसब्जेक्टिविटी जो है वो बात करता है कि लोगों के बीच में जो भी मनोवैज्ञानिक संबंध यानी साइकोलॉजिकल रिलेशन पाए जाते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 40, यूजिंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन द सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज। यानी बहुत से मेथड का यूज डाटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ताकि किसी निष्पक्ष जांच तक पहुंचा जा सके, तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, उस मेथड को कहा जाता है ट्रायंगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू जजमेंट एंड वैल्यू रेफरेंस हैज बीन गिवन बाय। यानी मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया है? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 42, हु एट फर्स्ट यूज्ड सर्वे मेथड इन सोशल साइंस रिसर्च। यानी पहले किसने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल किया है? तो उनका नाम है चार्ल्स बूथ, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक सुधारक भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर डिड आंद्रे बेटली कंडक्ट हिज फील्ड वर्क फॉर हिज स्टडी ऑफ कास्ट क्लास एंड पावर। यानी जाति वर्ग और शक्ति के अध्ययन के लिए आंद्रे बेटली ने अपने फील्ड वर्क का आयोजन कहाँ किया है? तो उस जगह का नाम है श्रीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो इस बुक के राइटर हैं विलियम फुट वाइट। क्वेश्चन नंबर 45, डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं आइवन इलिच। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बुक व्यू का पर्सपेक्टिव दिया था गोविंद सदाशिव गुरे ने और साथ ही साथ फील्ड व्यू का पर्सपेक्टिव दिया था एस सी दुबे ने, यानी श्याम चरण दुबे जी ने। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं रोलैंड रॉबर्टसन। क्वेश्चन नंबर 50, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म विद कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन यानी ऐतिहासिक पूंजीवाद के साथ पूंजीवाद सभ्यता बुक के राइटर कौन है? सो इस बुक के राइटर हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड लेसन 8। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।